बनाया गया था मुफ्ती महमूद साहब को, लेकिन यह कि हकीकत में तो ये जमातें उन्हें अपना लीडर मानने को तैयार नहीं थी। क्या मौलाना नूरानी उन्हें अपना लीडर मान सकते थे? नहीं। फिर यह कि पगाड़ा साहब और असगर खान साहब, वो क्या हकीकतन मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को वो अपना लीडर मान सकते थे? लिहाजा यहां जो है आर्मी आ गई, उसने हाईजैक कर लिया। लेकिन जिसने हाईजैक किया जियाउल हक, फिर उसने 11 बरस तक यहां पर इस्लाम 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 का नारा लगाया, किया चाहे कुछ नहीं, लेकिन यह कि एक जोश, एक खरोश, एक वलवला, एक जज्बा लोगों के अंदर, एक उम्मीद कि इस्लाम आएगा, एक तरफ ईरान का इंकलाब, दूसरी तरफ ये, और तीसरी तरफ अजीम तरीन वाकया जो हुआ वो अफगानिस्तान का जिहाद।